बुल्लड के मेरे बुजुर्गों, मेरी बात गौर से सुन लो भाई और नौजवानों, कि अगर हमने खुदा ना खास्ता कौमी दौलत को यतीमों और बेवगान की तालीम इलाज के लिए अस्पतालों के लिए नहीं खर्चा और करप्शन की है, तो आपका गरेबान, आपका हाथ और मेरा गरेबान। और अगर ऐसी बात नहीं तो गलतियां भी इंसानों से होती है, मुश्किलात भी आती हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी ज़मीन बड़ी जरखेज होती है, कभी शदीद सर्दी आती है, तूफान आ जाता है, इससे घबराना नहीं है। मेरा आपसे वादा है, उस खुदाए बुजुर्ग बर्दर को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ जब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा और ये आपसे आके ऐलान करेगा कि मैं पाकिस्तान को दोबारा कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने आया हूं। तो अगर आपने पाकिस्तान बनाना है, और ये जिन पंजाबी कहने का पैंडा खुस गया और पैंडा खराब हो गया 2018, वो पैंडे नु दोबारा ठीक करना है तो फिर अल्लाह का नाम लवो। 21 अक्टूबर नु नवाज शरीफ दा मीनारे पाकिस्तान जाके इस्तकबाल करो, तो फिर नवाज शरीफ की जुबानी जाके फिर सारी वो तुहानू गल सुनाणगे। मेरे बुजुर्गो, अल्लाह पाकिस्तान ते मेहरबान है, नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएगा, पाकिस्तान बनाएगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, खुदा हाफिज़।